नमस्कार, वेलकम आप सबों को अन अकेडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है, वेलकम आप सबों को आज अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम आप सबों के बीच एक छोटी सी सूचना लेके आए हैं और छोटी सी जानकारी लेके आए हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत बहुत परेशान थे। आप सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत ही कम दिनों में इतने आगे दूर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आपकी मदद से ही मैं आज इतने दूर और इतने आगे पहुंच पाया हूं। और यदि आपकी मदद मिला तो मैं आपको इतना दूर तक लेके जाऊंगा, आप कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकते हैं कि इतने कम समय में सर ने मुझे पूरी सिलेबस कम्प्लीट करा दी। ठीक है, अभी तो मैं प्रत्येक दिन आपका एक एक वीडियो लेके आ पा रहा हूँ। आप मुझे उस लाइक अगर कहीं बना देते हैं तो मैं एक एक दिन में तीन तीन वीडियो भी लाने की क्षमता रख सकता हूँ। मैं 24 घंटे में 20 घंटा 18 घंटा आराम से वर्क करूँगा आपके बीच, यदि आपकी चाहत मुझे वहाँ तक खींच के ले जाए तो। ठीक है, आप लोगों की बहुत सारी कमियाँ थी, अब सभी कमी को मैं धीरे धीरे दूर कर पा रहा हूँ। हजारों हजार बच्चे जुड़े हैं, इतने बच्चे जुड़े हैं, लगभग 35-36 हज़ार तो अभी बच्चे मात्र आपके दो महीने एक महीने के अंदर में जुड़े हैं, जिसमें हम लोगों ने कोई ना तो ऐड कहता हूँ, ना तो मैं आपको कहता हूँ आप मेरा सब्सक्राइब करो, आप मेरा ए करो। देखिए, आपको अच्छी लगती है तभी आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब मतलब होती है ज़रूरत। यदि आपको हमारी ज़रूरत होगी तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख के क्रॉसिंग में रहेंगे, और ये आप लोगों का प्रॉमिस मैं करता हूँ। आप सभी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास कब देंगे, तो प्रत्येक दिन अपलोडिंग का भी क्लास होगी, लेकिन लाइव क्लास जल्द ही आप मुझे 1 लाख के करीब में ले जाएंगे। तो बहुत जल्द ही मैं कुछ और हाईटेक सिस्टम्स करूंगा। अभी भी मेरे पास वैसे कुछ सिस्टम्स नहीं है, नहीं तो जो फायर सॉल्यूशंस में लेके आता हूँ वो मैं लाइव ही लाता तो और मज़ा आता, क्योंकि आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं और बेहतर तरीके से उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी इंटरनेट की जो कनेक्टिव है ये थोड़ी कमज़ोर है, इसे हम लोग और हाईफाई बनाएं। ठीक है, स्टूडियो तो बहुत तगड़ी है, सिस्टम्स बहुत तगड़ा है, कैमरा बहुत तगड़ा है, सब कुछ बहुत बेस्ट है, लेकिन थोड़ी इंटरनेट अच्छी नहीं है। आप लोग पढ़ाने में क्वालिटी में दे रहा हूँ, वीडियो का क्वालिटी में दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लास भी मैं दूँ तो सबसे टॉप दूँ, सबसे बेहतर दूँ। तो बेहतर कैसे होगी, तो थोड़ा इंटरनेट की सुविधा उसमें अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको बेहतर तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस उस तरीके से जुड़ें। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो MP से जुड़ रहे हैं, झारखंड, बिहार, हरियाणा, नोएडा, आसाम तक बच्चे फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिक परेशान नहीं रहें और कॉलिंग ना करें। और आप लोग जो चाह रहे हो ना कि क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस देते हैं कमेंट में, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उतनी मेरे पास समय नहीं रह पाती है, जिस कारण से। और बहुत साधारण क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं, जिसका आंसर तो चुटकी में दे दूंगा। ठीक है, तो एक दिन हम लोग ऐसा करेंगे, आपको पूरे एक सप्ताह में सैटरडे हम आप सबों को एक में ग्रुप दूंगा, आप उस पर वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को शेयर कर दीजिएगा यदि आपको कोई भी डाउट होगी। से जैसे क्लासेस में हम लोग रोज़ क्लास लेते हैं, रोज़ क्लास लेने के बाद प्रत्येक, जैसे मेरी रूल्स क्या होती है, मैं 6 दिन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 5 दिन पढ़ाता हूँ। और एक दिन जो 5 दिन मैंने पढ़ाया उनमें से जो कन्फ्यूजन हुई वो मैं आपको 6वां दिन में क्लियर करूंगा। तो आप सभी बच्चे लोग को मैं बता दे रहा हूं, मंडे टू लेके आप फ्राइडे तक जो पढ़ेंगे उनको आप सैटरडे में दूंगा। अभी मैं ये चीज की फैसिलिटी दूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, सैटरडे आप हमसे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और सैटरडे मैं हो सके तो आपका लाइव क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, एक एक बच्चे का, अधिक तो नहीं करा पाएंगे लाइव में, मुश्किल, थोड़ी गर्मी बहुत अधिक रहती है, तो लाइव कम से कम 1 घंटा 40-45 मिनट जितना क्वेश्चंस हो पाएगा उतने का। आप मान लीजिए कि इतने हजार क्वेश्चंस दे देंगे, तो उनमें से जो क्वेश्चंस, जिस टाइप का क्वेश्चंस मान लीजिए हम नहीं पढ़ाए हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चंस मैं डाउट क्लियरेंस में क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, आपको कहीं से भी कुछ भी कमी होने की मैं नहीं देना चाहता हूं, तो आप जितना भी सवाल दे रहे हैं बेहतर है आप सवाल दीजिए। ठीक है, मैं उतना नहीं समय दे पाता हूं, यहां तक कि बच्चे लोग का कमेंट भी नहीं पढ़ पाता हूं, तो जो भी हमारे इधर उधर वाले हैं तो वो कमेंट को पढ़ते हैं, उनको मैं हैंडल करने के लिए बताया हूँ। तो बेहतर तरीके से आप पढ़िए और मज़े से सीखिए, और जो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है वो चैप्टर आप मुझे बता रहे हैं, उस चैप्टर को देखिए कितना डिक्लेरेंस करेंगे। बच्चे लोग परेशान हैं नंबर सिस्टम्स को लेकर। ठीक है,
नंबर सिस्टम्स को लेके आप परेशान हैं, जिसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। डोंट वरी, चुटकी में खत्म करूंगा मैं, और बहुत मजेदार तरीके से खत्म करूंगा, इस बात को प्रॉमिस करके लिख लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे लोग परेशान हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, सर टाइम एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आता है सर, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आता सर, मैं ही एक बंदा बता रहा हूँ सर, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत जल्दी आ रही है, आप बेहतर तरीके से करते चले। टाइम एंड डिस्टेंस में बताऊंगा, एक एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक का PDF में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो जितने भी बोरिंग बोरिंग चैप्टर है, नंबर सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोल रहे हैं, ट्रेन रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बोल रहे हैं सर, बोट बता दीजिए, बोट एंड स्ट्रीम नहीं समझ में आता है सर, एवरेज बता दीजिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा टीचर क्या पढ़ावे ना पढ़ावे, हमको उनसे तुलना नहीं करना है, वो बहुत सुपर हैं, वो बहुत क्या हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद पे क्या हूँ, मैं खुद पे कैसे पढ़ा रहा हूँ, वो खुद आप देख रहे हैं। यदि मेरी लॉजिक आपको समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको साधारण तरीका समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कंटिन्यू करें, तो बेहतर तरीके से आप उसको एक एक चीज़ को देखिएगा। और उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगा, तो आप हमसे आराम से, मैंने बताया ना कि सैटरडे वाला जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ, तो आप लोग मज़े से जुड़ें और बेहतर तरीके से अपने दोस्तों को भी जोड़ें। बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे कहते हैं कि सर आगे कंटिन्यू करें, हम लोग मेहनत करें। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, हम लोग इतने चार चार घंटे, तीन तीन घंटे, अभी अगर छुट्टी मिली है तो तीन तीन घंटे, चार चार घंटे रह रह के शूटिंग कर रहा हूं। मुझे बाहर जाना है अभी, मैं सच्ची बात में बता दूं, मुझे बाहर जाना है 10 दिनों के लिए कहीं पे, तो मैं अभी चार चार घंटे रोज आके मैं हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएंगे। मैं तो घर चला जाऊंगा, मुझे तो जाना है शादी में, मैं तो चला जाऊंगा भाई, ठीक है, लेकिन आप लोग डिसकंटिन्यू 10 दिन आप लोग वेट करोगे, तो वो 10 दिन में आपको कभी फीलिंग नहीं होगा कि नहीं सर हमारे यूट्यूब पे नहीं है। मैं घर पे भी रहूंगा तो भी मैं सब काम करके जा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, बस बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से रिजल्ट दीजिए। और कुछ कुछ हमारे महान बच्चे लोग होंगे जो इस पर भी कमी निकालेंगे, तो उनको निकालने दीजिए। ये सब बातें होती है, 1000 में से 1-2 मच्छर होते ही हैं, ठीक है कि नहीं। अगर अभी आम का सीजन है तो सब आम अच्छा ही नहीं पेड़ से टूटेगा, कुछ तो खराब ही टूटेगा, ठीक है कि नहीं। तो जो बच्चे लोग की कमी निकालने की आदत है, वो जिंदगी भर कमी निकालते रहें। मेहनत से आप लोग पढ़िए, बहुत शिद्दत से पढ़िए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए। हाँ, दूसरा बात रही हिंदी और इंग्लिश वाली, तो हिंदी और इंग्लिश वाली सब लैंग्वेजल क्वेश्चन है, कुछ दिन वेट कीजिए, मैं आपका जो बड़ा बड़ा चैप्टर है टोटल मैं इंग्लिश में ही लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं होगी। जैसे अलजेब्रा बहुत तगड़ी तरीके से लेके आऊँगा, ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत ही अलग अंदाज में, सरल वे में, ठीक है कि नहीं। आप लोग कहीं भी कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे, मैंने बताया ना, वो बहुत सुपर है, मुझे उनसे तुलना नहीं करना है, बट मैं अपने आप में बता रहा हूँ, आई ऑल्सो मैं आपको बहुत तगड़ी तरीके से मैं दूंगा, मेरे पास एक से एक चैप्टर का लॉजिक है। हाँ बेटा, डिस्काउंट भी, डिस्काउंट आप बार बार परेशान है, पाइप और टंकी, ये सब भी छोटी छोटी चैप्टर्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन अभी चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चलने दीजिए। RRB RPF वाले बच्चे लोगों के लिए जो स्पीडी सॉल्यूशन धीरे धीरे आ रहा है, उसको भी बीच में आने दीजिए। धीरे धीरे जो फास्ट कैलकुलेशंस वाला वीडियो आ रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। तो सब कुछ अगर मैं स्टार्ट किया तो सब कुछ धीरे धीरे मैं दे पाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो पहले आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। अरे आपको कहना क्या है, बढ़िया से पढ़िए, और क्या है, मैं तो कुछ अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ, मुझे खुशी होती है कि आप पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। अलग अलग जगहों से, हमारे बिहार से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, अब हमारे झारखंड से एक दिन बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। वहाँ से कॉलें आती हैं, सर मुझे क्लास करना है, ये करना वो करना, ठीक है। तो बेहतर तरीके से देखिए। हाँ, सबसे मज़े की बात और सबसे अच्छी खबर यह है, बच्चे लोग परेशान हैं मैटर के लिए कि सर मुझे PDF कहाँ से मिलेगा, इसका सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। और आप मुझे क्वेश्चन भेजते हैं ना, तो उनका आंसर मैं जानने के बावजूद भी दे नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम की अभाव है, मेरे पास समय की कमी है, मैं देख ही नहीं पाता हूँ। तो बहुत जल्द मैं 2 एक्सपर्ट रख रहा हूँ, जो क्वेश्चंस ऑनलाइन देखेंगे और उसका सॉल्यूशंस बना के आपको तुरंत व्हाट्सअप पर करेंगे। उसके लिए मैं 2 एक्सपर्ट रख रहा हूँ, ठीक है। 2 एक्सपर्ट कुछ दिन का मुझे समय दीजिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया चीज़ करने के लिए कुछ समय दीजिए, 5 से 10 दिन 15 दिन, ठीक है। 15 जुलाई के बाद से मैं आपका ये समस्या नहीं आने दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होगा, 24 आवर्स में आपके पास आंसर होगी, इस बात की मैं दावा करता हूँ, ठीक है। मैं 2 एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, कोई मेरे 2 अच्छे स्टूडेंट मिल जाए तो मैं उनको रख लूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। और सबसे मज़े की बात है PDF वाली, मैटर वाली, सबसे मज़े की बात है कि सर मैटर मिल नहीं रहा है। तो सभी बच्चे लोग को मैं बता दूं, तो आप लोग ये
फेसबुक पेज पे जाके जो चैनल का नाम है वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप एक सा मैथ्स लिख के सर्च कर सकते हैं, पेज को फॉलो करें, ठीक है। पेज को फॉलो करने के बाद पेज के नीचे लिंक डाला हुआ है, आप लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेपर आपका आ जाएगा। और पेपर जाने के बाद डाउनलोड की बटन दी होगी ऊपर में, वहाँ पे तीर का निशान लगा होता है, उसे आप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, आंसर नहीं मिल पा रहा, आंसर भी मिलेगी, थोड़ी मैटर नहीं है। और दूसरी मजे की बात यह है कि आप टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर में जाके आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सब बेहतर बेहतर मैटर मैं दे रहा हूँ। आज ही मैंने कपिल जी से बात किया और इसी के लिए मैं आपके पास में बीच में आया हूँ। तो कपिल जी ने टेलीग्राम वाला मैटर आज उन्होंने ठीक किया है। तो टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, वहाँ पे चैनल बना है और चैनल का नाम भी है एके सा मैथ्स लिख के वहाँ पे सर्च कर लेंगे। और सर्च करने के बाद जैसे ही आपको वहाँ पे अपना चैनल मिल जाएगा एके सा मैथ्स, वहाँ पे ज्वाइन होगा और ज्वाइन के नीचे दी गई बटन को ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप मेरे से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी मैटर मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा, कपिल जी जितने भी पीडीएफ जो भी होगा आपको देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें और बेहतर तरीके से करें, ठीक है। अपने आप को कभी हिलने मत दीजिए, आपके बीच में मैं हूँ। अपने आप को मैं सभी बच्चे को बता दूँ, गणित एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो इंटरेस्टिंग बनाना अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको मैं बता दूँ, 5-6 में मैं गणित में फेल हुआ था। आज अच्छी बात मैं बता दूँ, 5-6 में गणित में मैं फेल हुआ था, लेकिन वो दिन फेल होने के कारण मुझे याद है कि जब मैं फेल हुआ था तो गणित मुझे कैसी लगती थी। मुझे गणित देखने में अच्छा नहीं लगता था, गणित के क्वेश्चंस देखने में नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने उनके ऊपर मेहनत जारी किया, उनको सीखने की कोशिश किया कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, तुम कैसे फेल हो गया, फेल होने का क्या कारण है। तो मुझे लगा मैं फेल हो गया हूँ तो मुझे कुछ इस पर वर्क करना चाहिए। आप मुझे अच्छी बताइए, अच्छी मूर्ति बनाने के लिए अच्छे मूर्तिकार को अच्छी हथौड़ी और क्या होता है दर्द सहन करनी पड़ती है, तभी वो बन पाते हैं, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जो पत्थर शक्तिशाली नहीं रहेगा, जो पत्थर अच्छे नहीं रहेंगे, जो पत्थर अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी, उसमें इतना हथौड़ा मारा जाता है तब जाके एक मूर्ति बनता है भगवान का और जिसे हम लोग पूजा करते हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट को बहुत सारी कठिनाई की सामना करनी पड़ती है, बहुत अधिक कठिनाई की सामना करनी पड़ती है, तभी वह स्टूडेंट एक सक्सेस की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो आप अपने जुनून को बनाए रखिए, आप हमसे सीख के देखिए, इतना जुनूनदायक हूँ, इतना जुनून है कि मैं कुछ भी करने के लिए आपको आगे ले जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। आप बच्चे लोग बोल रहे हैं कि वेबसाइट भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो कि सर प्ले स्टोर में आपका भी, वो भी मैं करूँगा। अगले आदमी थोड़े, मैं बता दूँ, अगले आदमी के पास बहुत इनफ इन्वेस्टमेंट है जिस कारण से वो करता है, लेकिन मैं सब कुछ इन्वेस्टमेंट एक इंस्टीट्यूट चला के मैं सब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब अपने बीच में। तो धीरे धीरे बेटा सब कुछ होगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए। देखिए, और मैं बहुत बेहतर करूँगा, जितनी भी मेरी इनकम है उसकी 60% मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज आप लोगों के बीच। ओनली फॉर किस चीज़ के लिए, इनकम के लिए नहीं, ओनली फॉर नेम फेम के लिए। अगर कोचिंग में मैं पढ़ाता तो लोग मुझे 4 या 500 बच्चे जानते, लेकिन आज हजारों हजार बच्चे ओनली इन 2 मंथ, 2 मंथ में इतने हजार बच्चे जान रहे, इसके सबसे बड़ी कारण है आप लोग। आप लोग जुड़िए, मजे से पढ़िए, ठीक है। देखिए, स्टूडेंट हैं, मैंने बता रहा हूँ, स्टूडेंट को बहुत सारी कठिनाई होती है, कठिनाई का सामना करना ही स्टूडेंट की सबसे बड़ा क्या होते है, चैलेंज होता है। तो आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करो, अपने चैलेंज से टकराओ और उसको जीत के दिखाओ, तब मजा आएगा। देखिए, मैं जीत रहा हूँ, आपने कभी देखा होगा, अगर मुझे भी शौक है कि मैं भी आराम से एसी में घूमूं, लेकिन आप प्रत्येक एक एक वीडियो में देख लीजिए मेरी कितनी पसीना निकलती है। 50 डिग्री टेम्परेचर में रह के भी आपके बीच में हूँ। कपिल जी तो बोलते हैं कि छोड़ दीजिए सर, चलिए, लेकिन तब भी मैं आपके बीच में बना हूँ। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन एक नहीं हजारों हजार बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हजारों हजार बच्चे का कैरियर बन रहा है, हजारों हजार बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, डोंट वरी, आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। आप लोग एक दिन में, अभी एक वीडियो आ रहा है ना, एक दिन में जब 2 वीडियो आएगा कितना मजा आएगा, जब एक दिन में आएगा 3 वीडियो आएगा कितना मजा आएगा। आपको कहीं कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं, घर बैठे रहिए और घर बैठे पढ़िए मन से। एक एक चीज मैं बता दूंगा, एक एक पॉइंट मैं बता दूंगा, आप बेफिक्र रहो। आपकी क्या कमी है मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ। इस कैमरा को मैं देख रहा हूँ तो कैमरे में एक नहीं मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि 50,000 बच्चे बैठे हैं और सबकी नज़र पढ़ने की क्षमता मुझ में है। तो मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं भी जब स्टूडेंट रहा हूँ, जब भी मैं भी फेल था तो मुझे भी परेशानी हुई थी, किस किस जगह पर मुझे भी पता है।
आज कॉम्पिटिशन्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा कोई गुरुजी नहीं है। मैंने इस कॉम्पिटिशन्स को पढ़ाने के लिए किसी से सीखा नहीं है, मुझे सिखाने वाला खुद है और मैं खुद हूँ। मैंने खुद से सीखा है, मैंने अच्छी अच्छी किताबों को जरूर पढ़ा है और अच्छी अच्छी किताबों को देख के आपकी ज़रूरत क्या है, बच्चे को कहाँ पर डाउट है, बच्चे को कहाँ पर ट्रिक्स चाहिए, कौन क्वेश्चन बच्चा कैसे समझेगा, इन सभी बातों को मैंने देखा है और इन सभी बातों को फील करके मैंने आपके बीच में आज ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग मेहनत करें, बेहतर तरीके से सीखें। देखिए, अगर आप जुनून करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप में कुछ करने की क्षमता है तो आप कुछ भी करके सीख सकते हैं। आज मैं आपको सच्ची घटना बता दूं, आज मैं आपको सच्ची बात में बता दूं, मैं जिस जगह पे हूं उस जगह से आप कभी विश्वास नहीं करते कि उस जगह से सर यहां आके खड़ा हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। हर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, हर स्टेट में मैंने पढ़ाया, हर स्टेट में मैंने नाम कमाया और आज मैं इस स्टेज में हूं। तो मैं अब बता दूं, यूट्यूब पे मैं बहुत पहले आना चाह रहा था 2017 में, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मैं जब आया हूं तो पूरे धमाकेदार तरीके से रहूंगा। और ये बात मैं बता दूंगा कि मैं देखो कैसे पढ़ा दे रहा हूं। देखिए, मैंने भी अच्छे अच्छे टीचर, मैंने किसी का टीचर का शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन जब पढ़ाना है तो पूरा फुल टॉपिक पढ़ाइए। जब पढ़ाना है तो पूरा फुल टॉपिक पढ़ाइए, 5 को क्वेश्चन लिख देने से कोई किसी बच्चा कोई सीख नहीं जाएगा। मैं किसी टीचर का, फिर से मैं बता रहा हूं, मैं किसी टीचर का शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस ये बात मैं बता रहा हूं, अगर पढ़ाते हैं तो पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाइए ताकि बच्चा सीख जाए। ठीक है, ऐसे पढ़ा देने से 4 क्वेश्चंस लिख दिया, उसको ट्रिक बता दिया, तो वैसा कोई ट्रिक से क्वेश्चन बच्चे कभी सीख नहीं सकते हैं। एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन बताइए कि इस टाइप में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तभी बच्चा हमारा सीख पाएगा। लेकिन तब भी बच्चे लोग मजे से उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, क्यों नहीं देखेंगे, बेहतर तरीके से देखेंगे, वो भी तो सिखा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, यदि आप पढ़ा रहे हैं ना तो प्लीज बच्चे को टाइप वाइज पढ़ाइए, मजा से एकदम बच्चे सीखें, एक एक स्टेप सिखाइए तो मजा आएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं उनसे शिकायत कर रहा हूं, प्लीज आई रिक्वेस्ट माय डियर्स। ठीक है, तो प्लीज आप बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग को नेक्स्ट वीडियो शूट करना है, तब तक के लिए बस, देखिए पसीना फिर से आने लगा, तो थक गया हूं बोलते बोलते। तो बेहतर तरीके से जुड़ें, और मैंने जो बता दिया, आप टेलीग्राम पे जाके वो चैनल पे, वहां पे एक ऐसा मैथ सर्च कर लेंगे, ठीक है, और वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आपको पेज में मिल जाएगा। तो आगे दिन मैं मोटिवेट करूंगा, आज के मोटिवेशन में उतनी बेहतर तरीके से, और मैं बताऊंगा कि आप गणित के डर को कैसे जीता, मैंने गणित को आज मैंने मजबूत बनाया तो इतना कैसे बनाया। ठीक है, और आज गणित के बदौलत मैं इस जगह पे हूं, बच्चों मैं बता दे रहा हूं, अपने ख्वाबों को पूरा अगर मैंने किया तो वो मेरा गणित सब्जेक्ट में ही ने दिया है। अजी आज मैं इस जगह पर हूं, आज मैं जिस जगह पर घूमना चाहता हूं, आज जिस जगह पर मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये गणित। ये गणित ने ही मुझे यहां पर पहुंचा दिया है। एक दिन गणित में मैं फेल हुआ था, आज गणित ने मुझे यहां पर पहुंचा दिया। समझिए गणित में कितनी बड़ी ताकत है, हर सब्जेक्ट में ताकत है यदि आप उसको जानो तो बेहतर तरीके से बने रहेंगे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़िए और मजे से पढ़िए। बस आज के लिए बस यहीं पे, ओके, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।